हेलो आज की वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल करेंगे हम uh, इसके लिए एक एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है बाकी तो देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर परफॉर्मा कॉस्ट शीट ऑफ अ मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंगटिकुलर परफॉर्मा कॉस्ट शीट दी हुई है रॉ मेटीरियल दिया हुआ है पर यूनिट के हिसाब से फोर्टी रुपीज डायरेक्ट लेबर ट्वेंटी रुपीज ओवर हेड्स ट्वेंटी रुपीज एंड टोटल कॉस्ट एटी रुपीज प्रॉफिट ट्वेंटी एंड सेलिंग प्राइस इज हंड्रेड तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है पर यूनिट कि कितना कितना मेटीरियल है लेबर है ओवर हेड्स है एंड प्रोफिट कितना है पर यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना है देन रॉ मेटीरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर फोर वीक्स की जो रॉ मेटीरियल है वो हमारे पास चार हफ्ते के लिए स्टॉक में रहता है मेटीरियल आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फॉर टू वीक्स प्रोसेस जो है वो वर्किंग प्रोग्रेस टू वीक्स का है फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एवरेज ऑफ फोर वीक्स की जो है फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें चार हफ्ते का रखते हैं डिट पीरियड अलाउड बाई सप्लायर्स इज फोर वीक्स एंड क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स फोर वीक्स सेम है कि हम जो है सप्लायर्स भी हमें चार हफ्ते का देते हैं और हम भी जो है अपने कस्टमर्स को फोर वीक्स का देते हैं लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज टू वीक्स एंड लैग इन पेमेंट ऑफ ओवर हेड एक्सपेंसेज इज फोर वीक्स पेमेंट में जो है वो वेजेस में टू वीक्स का है और ओवर हेड एक्सपेंसेज में फोर वीक्स का है थ्री फोर्थ ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट अच्छा जी क्या कह रहे हैं थ्री फोर्थ ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड रिमेनिंग अगेंस्ट कैश तो अब आप बताएंगे कि इस लाइन का हम क्या यूज करेंगे कि जो है थ्री फोर्थ ऑफ आउटपुट जो है वो क्रेडिट पे सेल की जाती है और बाकी की जो है वो कैश में सेल की जाती है इसकी कहाँ पर इम्प्लीकेशन रहेगी कौन से पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए आप इसको यूज़ करेंगे आप इसको कैश की कैलकुलेशन के लिए करेंगे डेटर्स में करेंगे कहीं स्टॉक में करेंगे क्रेडिटर्स में करेंगे कहाँ पर इसकी यूज़ होगा तो आप देख रहे हैं कि यह है आउटपुट सोल्ड जो हम सेल करते हैं अगर कैश में कर दी तो सामान दिया पैसे लिए बात खत्म होगी बट हम जो डेटर्स क्योंकि डेटर्स को हमने लेना होता है करंट एसेट्स में है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या है कि आपको जो है डेटर्स की कैलकुलेशन करनी होती है और डेटर्स आर कैलकुलेटेड ओनली ऑन क्रेडिट सेल्स तो यानी कि इस बेसिस पर हमने अपनी क्रेडिट सेल निकालनी है और उस क्रेडिट सेल के बेस पर हम जो है डेटर्स की कैलकुलेशन करेंगे ठीक है तो ये ध्यान रखना है कि जब डेटर्स कैलकुलेट करना है दे आर ऑन बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल्स ओनली इसी तरह से अगर जो है वो रॉ मेटीरियल के बारे में या परचेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो जो परचेजेस है टोटल परचेजेस में से जितना पार्ट आपका क्रेडिट परचेज का है उस क्रेडिट परचेज के बेस पर ही जो है आप क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करते हैं ठीक है जैसे पे सेल्स uh, के बारे में बता दिया कि थ्री फोर्थ जो है वो क्रेडिट में है बाकी कैश में हो सकता है कि इसी तरह से किसी क्वेश्चन में आपके पास जो है वो परचेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि जो परचेज है हमारी वो इतने परसेंट जो है वो कैश में है इतने परसेंट क्रेडिट में है तो अगर हमने क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करनी होगी तो हम उसके लिए जो है वो क्रेडिट परचेज का ही यूज करेंगे

कि जो है वो वेजेज़ और वर्ंड जो है वो सिमिलरली एक रिव्यू होते हैं प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली जो है वो हर पूरे साल चलती रहती है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इसके लिए एक स्टेटमेंट बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस तरह से आपको लिखना है देन टाइटल में आप लिख देंगे कि पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट उसके बाद सबसे पहले आप करंट एसेट्स लिख देंगे कि करंट एसेट्स की कैलकुलेशन होगी उसके बाद करंट लाइबिलिटीज की होगी तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं करंट एसेट्स में रॉ मेटीरियल ले रहे हैं रॉ मेटेरियल की कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या क्या, -क्या लेना है कि रॉ मेटीरियल पहले सबसे पहले देखना है कि कितनी यूनिट्स लेवल ऑफ एक्टिविटी है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड यहाँ से वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड

ये आपको मैंने बताया था कि जितने वीक्स का आप स्टॉक रखेंगे उससे आपने मल्टीप्लाई करना है आसान से शब्दों में याद रख लें कि जितने वीक्स का स्टॉक रखना है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड करना है टोटल जो है वो एनुअल नंबर ऑफ वीक्स से और अगर मंथ्स में इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे जो है वो टोटल आपके नंबर ऑफ मंथ से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें जितने मंथ्स का स्टॉक रख रहे हैं और <coughs> टोटल नंबर तो और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फोर लैक एट्टी थाउजेंड दे वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन करनी है हमने वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मैंने जैसे बताया था आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रॉ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स इन तीन चीजों की कैलकुलेशन करनी है हमने और ये मान के चलना होता है कि रॉ मटेरियल हमारा 100 परसेंट कंज्यूम्ड है मटेरियल 100 परसेंट है एंड लेबर एंड ओवरहेड्स जो है वो 50 50 परसेंट हमारे कंज्यूम हुए हैं तो लेबर और ओवरहेड्स के लिए जो है फिफ्टी परसेंट के हिसाब से कैलकुलेशन होनी है मटेरियल जो है वो 100 परसेंट लेना है यूनिट्स वन लैख ही रहेंगी और प्रोग्रेस वर्क मेटीरियल आर इन प्रोसेस फॉर एन एवरेज ऑफ टू वीक्स तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो टू वीक्स के हिसाब से कैलकुलेट होना है मेटीरियल फोर्टी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ट्वेंटी एंड ओवरहेड्स ट्वेंटी और जो है टोटल जो प्रोडक्शन है वो वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड के तो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे हम पहले रॉ मटेरियल देन लेबर देन ओवरहेड्स तो मटेरियल यूनिट्स हमारी वही है मटेरियल की फोर्टी रुपीज और जो है कितने वीक्स का स्टॉक है टू टू से मल्टीप्लाई किया और वीक्स में जो है साल में कितने वीक्स हैं फिफ्टी <coughs> टू उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया देन इट इज इक्वल टू टू लैख फोर्टी थाउजेंड जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना ही आ जाएगा देन डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन करनी है तो डायरेक्ट लेबर वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट्स हैं हमारी और लेबर की जो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट ट्वेंटी रुपीज थी एंड ये जो है टू टू मीनस टू वीक्स का जो है वो स्टॉक रहता है तो इसको टू से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है हमने फिफ्टी टू वीक्स जो इन ईयर एक साल में बावन हफ्ते हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया और ये जो है मेटीरियल uh, का हमने बताया था कि हंड्रेड परसेंट है तो उसमें हंड्रेड बाई हंड्रेड कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो बराबर ही आता है इसलिए हम जो है वो हंड्रेड परसेंट के लिए लिखते नहीं है बट लेबर और ओवरहेड्स के लिए हमने लिखना है कि वो फिफ्टी परसेंट है तो ये जो है इसलिए इसका फिफ्टी परसेंट हमने निकाल लिया तो ये जो अमाउंट आई थी लेबर की उसका फिफ्टी परसेंट निकाल लिया या आ गया आपका सिक्सटी थाउजेंड इसी तरह से ओवरहेड्स के लिए निकाल लेंगे आप वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ओवर की कॉस्ट भी जो है हमारे पास जो है वो ट्वेंटी रुपीज़ थी

फिनिश गुड्स के लिए भी क्या है कि फिनिश गुड्स जो है मैंने बताया था जैसे पिछली वीडियो में भी आपको कि उसकी कैलकुलेशन हमने एट कॉस्ट करनी है प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं हम प्रॉफिट को इग्नोर करते हुए कॉस्ट जो बचती है टोटल कॉस्ट वो एट्टी रुपीज है एट्टी रुपीज के हिसाब से कैलकुलेशन होनी है और जो यूनिट्स हैं वो वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट है एंड फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है दैट इज फॉर फोर वीक्स कि चार हफ्ते के लिए वो स्टॉक रखा जाता है तो फिनिश गुड्स की कैलकुलेन होगी हमारी वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट और एट्टी रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है चार वीक का स्टॉक रखना है मल्टीप्लाइड बाय फोर हो गया एंड डिवाइडेड बाय फिफ्टी टू टोटल वीक्स इन ईयर उससे डिवाइड कर दिया और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड आ जाएगा आपके पास ये तो आप आसानी से कर सकते हैं मल्टीप्लाई करना है सिंपल और इसको डिवाइड करना है तो कैलकुलेटर की हेल्प से जो है आप कर सकते हैं या वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं देन उसके बाद हमें निकालने हैं डेटर्स डेटर्स की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कैसे कैसे किया तो यूनिट्स तो जैसी जितनी चलती आ रही हैं उतनी ही यूनिट्स हैं वन 156, 156,000 फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन फिफ्टी सिक्स थाउजेंड में क्या है कि जो थ्री फोर्थ आउटपुट है दैट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड रिमेनिंग ऑन कैश तो जो रिमेनिंग ऑन कैश है कैश सेल है उसके ऊपर डेटर्स का उसके साथ कोई लिंक नहीं है तो हमें क्या देखना है क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल जो टोटल सेल है उसका थ्री फोर्थ जो हमारी जो आउटपुट है उसका थ्री फोर्थ जो आउटपुट है हमारी प्रोडक्शन है वो वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड की है. उस आउटपुट का जो है ना लिखा ना आउटपुट जो है वो थ्री फोर्थ उसकी आउटपुट हमारी क्रेडिट में सेल की जाती है तो जो क्रेडिट सेल है उसी पे हमारे डेटर्स होंगे तो यानी कि वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड का थ्री फोर्थ यूनिट तो इसलिए हमने क्या किया कि वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड उसका थ्री फोर्थ मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर थ्री फोर्थ का मतलब डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय थ्री एंड डिवाइड बाय फोर्थ ही होगा गया थ्री फोर्थ देन डेटर्स की कैलकुलेशन भी हमने एट कॉस्ट करनी है जब तक कुछ ना कहा गया हो तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि हमने जो इसकी कैलकुलेशन एट सेलिंग प्राइस करनी है या और एट कॉस्ट करनी है तो कुछ नहीं बताया गया तो एट कॉस्ट करनी होती है कॉस्ट uh, जो है उसकी एटी रुपीज तो हमने जो है उसको एटी रुपीज से uh, मल्टीप्लाई कर दिया कर दिया देन जो uh, <coughs> क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स डेट इज एट वीक्स तो यहां पे हमें दिया हुआ है डेटेज जो है वो क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स जो है वो फोर वीक्स है यहाँ पे गलती से आठ लिखा गया है Uh, इसका ये जो है हमारा फोर वीक्स ही रहेगा ये हमारा की जगह जो है है five, uh, है वो से से मल्टीप्लाई करना करना डिवाइड और सोल्व करेंगे तो सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ही आएगा देन उसके बाद कैश इन एंड कैश एट बैंक उसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो ट्वेंटी थाउजेंड वो करंट एसेट का पार्ट है उसको भी हम यहीं पर लिखेंगे एंड जब इसका फिर टोटल करेंगे तो टोटल करंट एसेट्स जो है वो टू लैख फिफ्टी फोर था ट्वेंटी फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड की जो है वो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगी तो इसके बाद फिर करंट लाइबिलिटीज एक ही टेबल में आपने कंटिन्यू करना है करंट एसेट्स देन लाइबिलिटीज तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम ये हमारा आ गया फिर पर्टिकुलर्स देन अमाउंट फिर टोटल करंट एसेट्स पच्चीस लाख चालीस हजार आ चुकी थी हमारे पास और उसके बाद जो है ये हमारा क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटीरियल्स रॉ मटीरियल्स के लिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड अब तो याद हो गया होगा आपको और फोर्टी फोर्टी रुपीज़ की रॉ मटीरियल की कॉस्ट है और क्रेडिटर्स को हम चार हफ्ते का पीरियड अलाउ करते हैं क्रेडिटर्स uh, हमें चार वीक का क्रेडिट अलाउ करते हैं <coughs> तो मल्टीप्लाइड बाई फोर डिवाइडेड बाई फिफ्टी टू सॉल्व करेंगे फोर लैख एटी थाउजेंड आ जाएगा दैन आउटस्टैंडिंग वेजेस उसके लिए भी हमारे पास जो है यूनिट्स हैं वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सेम है 1, 56, 000, और पर यूनिट जो है आउटस्टैंडिंग जो है वेजेस के बारे में वेजेस के बारे में कितनी दिया हुआ है हमारे को लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस टू वीक्स वेजेस के लिए टू वीक्स का है और ओवर एक्सपेंसेस के लिए फोर वीक्स का है ठीक है वेजेस के लिए टू वीक्स और ओवर के लिए फोर वीक्स और वेजेस और ओवर जो है दोनों ही ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ के हिसाब से हैं तो ट्वेंटी रुपीज़ के हिसाब से इसमें टू वीक्स का था तो मल्टीप्लाइड बाई टू वन फिख ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड आउटस्टैंड ओवर और ट्वेंटी रुपीज ही उसकी ओवरहेड की कॉस्ट थी लैग इन पेमेंट जो है, वो जो है, वो 4 का है तो मल्टीप्लाइड बाई फो डिड फि इसको सॉल्व करेंगे टू फोर्टी थाउजेंड तो इनका टोटल करना है करंट लाइबिलिटीज फोर लाख एट्टी प्लस वन ट्वेंटी प्लस टू फोर्टी जब आप इसका टोटल करेंगे तो एट फोर्टी थाउजेंड आ गया तो करंट एसेट्स आगे पच्चीस लाख चालीस हजार की और करंट लाइबिलिटीज आ गई आठ लाख चालीस हजार तो नेटवर्किंग कैपिटल करंट लाइबिलिटीज पच्चीस लाख चालीस हजार में आठ लाख चालीस हजार माइनस कर देंगे तो सत्रह लाख रुपए जो है वो नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आ जाएगी तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा सा जो नया था इस क्वेश्चन में यही था कि हमने जो है अगर डेटर्स की कैलकुलेशन करनी है तो वो क्रेडिट सेल्स के बेस पर करनी होती है और अगर कस्टमर्स की और जो आपके सप्लायर्स के क्रेडिट की बात है क्रेडिटर्स uh, की कैलकुलेशन होगी तो क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन जो है वो क्रेडिट परचेजेस पर होती है एंड डेटर्स की कैलकुलेशन क्रेडिट सेल के बेसिस पर होती है ओके थैंक यू इस वीडियो में इतना ही है